This is the TVS Radeon. ये 110cc commuter motorcycle है TVS की ओर से, और इसमें ऐसी क्या खास बात है, क्या इसके बारे में स्पेशल है, और क्यों आपको दूसरे ऑप्शंस की जगह इसको चूज करना चाहिए, वीडियो के एंड तक जरूर बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा इसका प्राइस क्या है, इसकी खासियत, इसकी खामियां और सारी चीजें इंक्लूडिंग द प्राइस मैं वीडियो के एंड तक आपको जरूर बताऊंगा। ऑन रोड प्राइस भी बताऊंगा, हैदराबाद में कितना है, एक शोरूम प्राइस भी बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक्स की। तो ये मोटरसाइकिल एक 110cc कम्यूटर होते हुए भी बहुत ही बढ़िया दिखती है, और जितने भी लोगों को बाइक मैंने बताई है सब ने कहा है कि ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल लुकिंग बाइक है। इनफैक्ट मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती है। लुक्स आर सब्जेक्टिव, बट मुझे पर्सनली ये बाइक अच्छी लगती है। सो अगेन आपको ये रियल वर्ल्ड में देखना पड़ेगा कि ये बाइक आपको सूट कर रही है नहीं, बट आई पर्सनली लाइक दिस थिंग। और इसमें क्रोम का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। दिस इज़ द टॉप एंड वेरिएंट, और इसके अंदर आपको मिलता है ड्यूल टोन पेंट स्कीम एंड अ डिस्क ब्रेक इन द फ्रंट इंक्लूडिंग अ डिजिटल मीटर। सारी चीज़ें बताऊंगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके हेडलैम्प से। तो जो हेडलैम्प का कवर है ये आपको क्रोम में मिलता है। दिस इज द हैलोजन हेडलैम्प एंड हियर इज द LED इंडिकेटर। सो यू कैन सी दिस इज द LED इंडिकेटर एंड दिस इज एन हैलोजन हेडलैम्प। TVS की यहाँ बैजिंग है, अगेन क्रोम का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है टू गिव इट अ प्रीमियम लुक। एंड यू हैव द टेलीस्कोपिक सस्पेंशन द फ्रंट एंड इज 240mm डिस्क ब्रेक। सो देर इज़ नो ABS। इसमें मिलता है आपको सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम, यानी कि आप जो फ्रंट ब्रेक अप्लाई करेंगे रियर का ब्रेक भी थोड़ा अप्लाई होगा, एंड रियर का जब अप्लाई करेंगे थोड़ा फ्रंट का भी होगा। स्किड होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉल इट ए कॉम्बिनेशन ब्रेकिंग सिस्टम, जो नॉर्मली हमें देखने मिलता है। यहाँ पर DS को कहता है सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम। टायर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिलते हैं डीसेंट ग्रिप वाले टायर्स, और 18 इंच का यहाँ पर व्हील है, 5-spoke alloy व्हील है। एंड यू कैन सी द ग्रिप इज प्रीटी गुड, और यहाँ पर जो इंडिकेटर्स है, बल्ब यूनिट है। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज अ ड्यूअल टोन पेंट स्कीम। यहाँ पर जो TVS की बैजिंग है, अगेन क्रोम में है, इट्स अ 3D बैजिंग, एंड दिस ब्लू एंड ब्लैक लुक्स रियली गुड, मोटरसाइकिल पर काफ़ी अच्छा लगता है। एंड देन देर इज टैंक पैड, यानी कि आपके पैर से जो है स्क्रैचेस जल्दी इस पर नहीं आएंगे। यूजुअली क्या होता है, जीन्स की वजह से थोड़े स्क्रैचेस आ जाते हैं, जो पेंट है वो ख़राब नहीं होगा बिकॉज ऑफ द टैंक पैड। एंड देन यहाँ पर रेडियन की बैजिंग है, अगेन 3D एम्ब्लेम विथ क्रोम फिनिश, सो वो अगेन शाइनी दिखता है। एंड देन ड्यूअल टोन, एक्चुअली ट्रिपल टोन ट्रीटमेंट कह सकते हैं बिकॉज इसमें वाइट भी है। एंड देन यहाँ पर भी थोड़ा क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, लेग गार्ड भी क्रोम में है, एग्जॉस्ट पूरा शुरू से एंड तक क्रोम में है टू गिव इट अगेन दैट विंटेज प्रीमियम लुक। और TVS की बैजिंग यहाँ पर रेड में है, इंजन लुक्स रियली गुड। सो ये 109cc का इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 8.08 BHP और 8.7 Nm का टॉर्क। ऑन पेपर हो सकता है थोड़े कम फिगर्स लगेंगे, बट कहीं भी ये अंडरपावर्ड फील नहीं होता है बिकॉज दिस मोटरसाइकिल फॉर अ 110cc इंजन प्रोड्यूसेस रियली गुड अमाउंट ऑफ पावर। और लो एंड बी टॉक इसका बहुत अच्छा है, मिड रेंज काफ़ी अच्छी है, जो कि यूजुअली कम्यूटर से एक्सपेक्ट किया जाता है। उसकी वजह से मोटरसाइकिल बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करती है। रियर की बात की जाए तो यहाँ पर जो है आपको अगेन 18 इंच का व्हील देखने मिलता है, 5-spoke अलॉय व्हील। अगेन TVS के टायर्स हैं यहाँ पर, यूरा ग्रिप, और जो रियर सस्पेंशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 5-step एडजस्टेबिलिटी के साथ आता है, यानी कि आपके हिसाब से आप जो है इसकी रीबाउंड को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको जैसी राइड चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एंड देन फीमेल पिलियन रहेंगे उनके लिए यहाँ पर एक हैंडल दिया गया है, जो कि अगेन काफ़ी कन्वीनियंट है। और यहाँ पर जो है हुक दिया गया है, यहाँ पर जो है आपको हैलोजन टेल लाइट देखने मिलते हैं, हैलोजन इंडिकेटर्स हैं, एंड TVS की यहाँ छोटा सा बैजिंग है। और जो रियर ग्रैब रेल है उसके ऊपर यहाँ थोड़ा सी पैडिंग है, इन ऑर्डर टू कीप, यू कैन कीप योर स्टफ हियर। सो इन जनरल द मोटरसाइकिल सर्व्स द पर्पस रियली वेल। अगेन साड़ी गार्ड और जो लेडीज फुटरेस्ट है वो इंटीग्रेटेड है, यानी कि जो है बहुत अलग दिख के नहीं आता है, गंदा नहीं दिखता है, लुक्स नीट, और पर्पस भी जो है ये सर्व कर देता है। सो ओवरऑल द मोटरसाइकिल इज प्रीटी गुड। अब जो है स्विच गियर की तरफ आते हैं, द बेस्ट थिंग आई लाइक इन दिस मोटरसाइकिल इज द स्विच गियर, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है। So the horn is also good, sharp sound है, and the switch gear quality is pretty premium, जो हमें usually TVS के बड़ी motorcycles में देखने मिलती है, वैसे ही switches यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं। Here is the pass switch, और यहाँ पर जो है आपको headlamp के controls देखने मिलते हैं, and from here you can turn on the ignition। अब आप कहेंगे कि bike on है, still ignition on क्यों नहीं हो रहा है, because it has a side stand engine cut off system,
एंड देन देयर कम्स द सीट. ये सीट जो है काफ़ी लॉन्ग है. जब साइड में पिलियन बैठता है, मतलब साइड फेसिंग तरीके से बैठता है, तब भी बहुत अच्छी स्पेस रह जाती है. और अगर स्ट्रेट बैठ रहे हैं तो दोनों के लिए काफ़ी स्पेस रहेगी टू एंड फ्रो होने के लिए. तो मोटरसाइकिल की सीट जो है बहुत ही कंफर्टेबल है और काफ़ी कुशनिंग सीट है. तो अगर कोई इसको डेली कम्यूट की तरह यूज़ कर रहा है, एंड देन अगर कोई स्विगी जोमैटो या डिलीवरी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है जिसका ज़्यादातर वक्त राइडिंग करते हुए निकलता है, तो उनके लिए ये बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाला है. बिकॉज रूम बहुत है आगे पीछे होने के लिए, सीट कंफर्टेबल भी बहुत है और कुशनिंग भी बहुत अच्छी है. तो अब इस मोटरसाइकिल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं, जो है इसका साउंड. और ये आप ध्यान रखना, टीवीएस का लोगो ऑन होते ही कैसा शाइन होता है. देखिए इल्यूमिनेटेड लोगो है, एंड देन यहाँ पर हेलमेट का भी सिग्नल आता है, विच रिमाइंड्स यू कि भाई हेलमेट पहन लो. तो हेलमेट पहन कर चलाइए. लेट्स स्विच ऑन द इग्निशन एंड लिसन टू दिस साउंड. About it from my side for the TVS Radeon. The motorcycle is amazing. और आपको कैसी लगी मोटरसाइकिल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और इसके बारे में और कोई डिटेल जानना है आपको, आप कॉमेंट कर सकते हैं. दूसरी कोई मोटरसाइकिल आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जो मैं रिव्यू करूँ, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगली वीडियो में. सब्सक्राइब कर लीजिए. बाय.